भागलपुर के नौगछिया से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां प्रेमी को ऑनलाइन गेम में नुकसान होने पर बीए की छात्रा ने खुद अपहरण की साजिश रच डाली। प्रेमिका ने अपने प्रेमी से नाना को फोन करवाया और प्रेमी ने फोन पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और नहीं देने पर हत्या करने की धमकी भी दे डाली। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान कर प्रेमी आशीष कुमार और उसके दो सहयोगियों आयुष और गौरव कुमार को श्रीपुर से गिरफ्तार किया है। तीनों की निशानदेही पर प्रेमिका नेहा को भागलपुर के एक लॉज से बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि आशीष ऑनलाइन गेम में पैसे लगाता था, इसमें उसे नुकसान हुआ तो अपहरण की साजिश रच डाली, जिसमें उसकी प्रेमिका नेहा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एसपी ने बताया कि नेहा और आशीष में हाल के दिनों में नजदीकियां बढ़ी थी। आशीष को ऑनलाइन सट्टा खेलने का लत था और इस दौरान उसे 40,000 रुपए का नुकसान हो गया। आशीष के मित्रों आयुष और गौरव ने उसे सलाह दी कि वो नेहा से बात करे। इसके बाद नेहा खुद अपने प्रेमी और उसके मित्रों के द्वारा अपहरण करवा कर अपने नाना से 10 लाख रुपए फिरौती लेने की बात कही। पुलिस ने पूरे मामले पर से पर्दा उठाते हुए प्रेमी और उसके दो सहयोगियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं प्रेमिका के द्वारा खुद प्रेमी से अपने अपहरण की साजिश रचाए जाने का यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कल देखिए कार्यालय में बैठे थे तो एक अशोक रजक यही नगोशिया टाउन में रहने वाले वो हमारे पास आए थे। उनका था कहना कि उनकी भांजी का किसी ने किडनैपिंग कर लिया, जो कॉलेज हो गई थी किडनैपिंग कर लिया है और उसके बाद फिर उन्हें एक फिरौती का भी कॉल गया था कि लड़की वापस चाहिए तो पैसा रुपया वापस देना होगा, 10 लाख का डिमांड था। तो हम लोग कल जैसे संज्ञान में आया, हम तत्क्षण SDPO ने तो एक टीम गठन किया SIT का, SDPO साहब से SHO टाउन पद्मभूषण थे और केस का IO मनीष कुमार जिसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा इसमें बीपुर थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी कदवा और उमा शंकर SI हैं टाउन थाना में और बद्रा प्रभारी रमानी, ये सबों की टीम बनाएगी और DIU की टीम लगातार कल दिन से ही लगातार काम कर रही थी। और जो से फिर सूचना प्राप्त हुआ उसके आधार पे पहले 3 की गिरफ्तारी होती है श्रीपुर से, एक आयुष है, एक गौरव कुमार है, एक उसी का दोस्त है जो लड़का नाबालिग, तीनों के निशानदेही पे जो लड़की जो ये वादी है असुरजक भांजी थी उसे बरामद किया गया, भागलपुर से बरामद किया गया। तो कहानी इसमें ये था कि जो लड़का था इसका जो लड़की जो सो कॉल्ड किडनैपिंग हुआ है इसका प्रेम संबंध था जो लड़का आपका इसमें कम उम्र का नाबालिग है, पहले से लोगों में जान पहचान था और लड़का को ऑनलाइन गेम का खेलने का आदत था, लत था, वो ऑनलाइन बेटिंग करता था, उसका काफ़ी पैसा उसमें डूब गया था, अबाउट 40,000 पैसा का उसमें था, काफ़ी दबाव में था, वो प्रेशर में था। तो लड़के तीन लड़कों ने प्लानिंग किया, ये तीन लड़कों ने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं किसी को ये जो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उससे बात करो, उसे दबाव में लो ताकि एक लोग किडनैपिंग का एक ड्रामा करते हैं और इनका लोग पैसा वसूलते हैं घर वालों से। ये तीनों लड़का मिल करके लड़की को अपने जाल में फंसा करके लड़की को अपने जाल में फंसा के झूठ फूस बोल करके एक किडनैपिंग का एक ड्रामा रचा ताकि उसे पैसा प्राप्त होगा, ताकि ऑनलाइन गेमिंग जो पैसा वो क्षति हुआ था उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। ये जो टीम था अच्छा काम किया। इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। उनकी यह दूसरी यात्रा है जो मणिपुर से मुंबई तक जाएगी, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया गया है। दूसरे चरण की यात्रा के दौरान राहुल गांधी 28 जनवरी को बिहार के किशनगंज पहुंचेंगे, उसके बाद कटिहार किशनगंज एरिया होते हुए 30 जनवरी को पूर्णिया रंगभूमि मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही कांग्रेस विधायक के न्याय यात्रा के दौरान असम में राहुल गांधी को मंदिर में पूजा करने से रोकने को लेकर असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी राम मंदिर को चुनावी मुद्दा न बनाए, राम तो हरेक के घर और दिल में बसे हुए हैं। बीजेपी जो वादा नौकरी के लिए की थी, जो वादा महंगाई पर रोक लगाने के लिए की थी, जो इरादा युवाओं को रोजगार देने का दिखाया था उस पर काम करे। फिर दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब शुरू हुआ है 14 जनवरी को, जो मणिपुर से मुंबई तक जाएगा।
और ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है बिहार वासियों के लिए कि वह किशनगंज मणिपुर से होते हुए किशनगंज आएंगे, किशनगंज से अररिया में रात्रि विश्राम होगा, उसके बाद वो रंगभूमि मैदान पूर्णिया में उनकी आम सभा होगी जो कि आपको देख कर आश्चर्य होगा कि इतने लोग उत्साहित हैं। जो मैं पूर्णिया गया था, काफ़ी लोग उत्साहित हैं। और देखिए असम के मुख्यमंत्री ने क्या किया, एक तो आदरणीय राहुल गांधी जी को पहले तो यात्रा करने पर रोकने का प्रयास किया, मंदिर में जाने से उनको रोका गया, उसके बाद वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पर अटैक किया गया, घायल हुए वो। तो ये आश्चर्य है, इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये असम के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो आपको बताइए, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है आदरणीय राहुल गांधी जी का, हम लोग पूरे जोर खोसी, तो बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है, गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं। और फिर ये अररिया में राष्ट्रीय स्टे करते हैं, फिर रंगभूमि में आम सभा करते हैं, वहां से फिर कटिहार के कोढ़ा में जाके रात्रि विश्राम करते हैं, फिर दूसरे दिन फिर से उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल के बंगाल की ओर जाता है। मैं आपको बताऊं कि इस जो रंगभूमि मैदान में जो है और ये जो कार्यक्रम है उसमें हम भागलपुर वासियों से, सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जाके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, आदरणीय राहुल गांधी को सुने, जो कि भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं कर रही है जनता के साथ। वो कहते हैं, आप देखिएगा अखबार में सब जगह कि मोदी जी की गारंटी है, उन्होंने 2014 में गारंटी लिया था कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार, प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, क्या उन्होंने दिया? उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया लाके किसी खाते में नहीं, क्या उन्होंने किया? उनकी क्या गारंटी है? उनकी गारंटी यही है वो हिंदू मुसलमान सब जाति में विभेद करके फैला के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों की हालत देख लीजिए। इसलिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। मैं आग्रह करूंगा, यह बड़ा बिहार के लिए गौरवान्वित करने की बात है कि वो सबसे पहले जब असम से गुजर रहे हैं तो बिहार भी आ रहे हैं, जो पहली बार नहीं आ सके फिर बाद में भी आएंगे, और ये बिहार की धरती है जो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। और कांग्रेस पार्टी असम में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी पर अटैक करने की कोशिश किया, एफआईआर करने की कोशिश किया, इसीलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी 30 जनवरी को ही आम सभा कर रही है। और आपको बता दें, वो बहुत दिन पूरे कांग्रेस को आगे ले जाने का पूछ रहे दिया, जैसे लगता है कि हम हिंदू नहीं हैं। हमारे यहाँ चलिए, मेरे मंदिर में राम भगवान का फोटो आज से नहीं है, राम भगवान का सब जगह मंदिर और सब लोग पूजा करते हैं, कोई आज नई बात है ही नहीं। लेकिन आप क्या पढ़े, राम लल्ला की वहां पे स्थापना की। राम लल्ला का मतलब होता है कि राम जी जहाँ अयोध्या पैदा लिए छोटा, इन्होंने मूर्ति लगा दिया। अभी आप देखते जाइए, लोग का शंकराचार्य का विरोध आ रहा है, यह तो चुनाव। और आप बता दें, अगर यही करना था, उनका स्थापना करना था हमारे आदरणीय राम भगवान का, तो रामनवमी के दिन होना चाहिए, ये पहले क्यों कर रहे हैं? रामनवमी से अच्छा दिन कुछ नहीं हम लोग उसको मनाते हैं। इसलिए ये चुनावी है, जनता सब समझ रही है। लेकिन आपको बता दें, ये मंदिर और मस्जिद ये दोनों इशू नहीं है, इशू है देश कैसे विकास करेगा, देश में युवकों कैसे रोजगार मिलेगा, महंगाई कैसे रुकेगा, गैस का कीमत जो है 1100 रुपये वो कैसे कम होगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाले हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, जनता को न्याय चाहिए और कांग्रेस पार्टी सबको न्याय दिलाएगी। ये तो बड़ा खुशी की बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी को, ये तो डिमांड था हम लोगों का काफी दिनों से, सब लोग डिमांड करते रहे थे कि भारत रत्न दिया जाए, आज तक नहीं दे रहे थे, इसलिए आज उनको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को बुद्धि खुली की देना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है, इसलिए मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आपने सम्मान दिया। नहीं, ये तो डिमांड बिहार से काफी दिनों से था, आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी जानते हैं, ये डिमांड था उनको, उनको लगा कि करना चाहिए, नहीं तो चुनाव के समय में बिहार उनको जवाब देगा, इसलिए उन्होंने किया है। देखिए, अब वो गिरिराज सिंह क्या बोले उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं इतना ही आपको बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी भारत वर्ष को आजाद कराने से लेकर जो भी विकास किया है भारत में, कांग्रेस पार्टी ने किया, सब जाति पाति को एक साथ लेके चलता है। हम लोग जातिवादी नहीं करते, जात पात की बात नहीं करते, हम लोग सब लोग हिंदुस्तानी है वो बात करते हैं। अब गिरिराज जी का जवाब हमसे पूछ रहे हैं,
वो तो बेहतर है कि उन्हीं से पूछिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अपनी बात करें ना। उनके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो युवकों को रोजगार देने की वादा किया वो गारंटी कहाँ गया, 15-15 लाख देने की बात की वो कहाँ गया। आदरणीय स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेके 400 रुपया जब रेट था घूमती थी बहुत महंगा, और आज 1100 तो वो कहाँ कम कर रहे हैं, उसकी बात कहिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को और विधायकों को करने। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की ततारपुर थाना क्षेत्र में लटक कर एक छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मृतक युवक मैट्रिक का परीक्षार्थी था। वहीं इस मामले को लेकर मृतक युवक के भाई आयुष ने बताया कि आज सुबह हम ट्यूशन पढ़ने गए थे और वापस आए तो कमरे का दरवाजा बंद दिखा। इसके बाद जब धक्का मार कर दरवाजा खोला तो देखा मेरा छोटा भाई लटका हुआ है। इसके बाद घटना की सूचना ततारपुर थाना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। क्लास गए थे, क्लास से आने के बाद ढक ढक आए तो नहीं खोल रहा था, धक्का मारने के बाद देखे तो अथी किया हुआ है, कुछ नहीं। कभी 3 दिन पहले आया था, अति 10th का परीक्षा था, सेंटर इधर पड़ा था, बोला था रहेंगे आप ही के पास, कोई टेंशन था नहीं, कोई टेंशन मम्मी पापा झगड़ा हो रहा नहीं, नहीं वो सब कुछ नहीं। कहाँ करने वाला? घर कहाँ है? घर कुर्मी चक। कौन थाना? थाना अंति चक। क्या नाम था? उसका अंकित। अंकित नाम था? हाँ। पापा का नाम? राकेश कुमार सिन्हा। पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं, अति बाहर में कमाते हैं। कमाते हैं? तुम्हारा क्या नाम है बाबू? कि? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा आयुष। आयुष कुमार। भाई का कितना उम्र होगा? भाई का 14। कौन क्लास पढ़ता है? अभी 10th का एग्जाम देता 15 फरवरी को। तुम सुबह कहाँ गए? क्लास। कोचिंग? हाँ। कुछ लगा उसमें? टेंशन में था? नहीं कुछ नहीं, बैठ के याद कर रहा था। गेट लगा था? हाँ अभी आयत क्लास से गेट लगा था, जोर से लात से मारे तब खुला। को अभी हम खेत में धान तैयारी करवा रहे थे तो वहाँ से मेरा बच्चा फोन किया कि ऐसा यहाँ हुआ है, मतलब सुसाइड कर लिया बच्चा। ये अंगी जो आयुष जो है ये 5-6 महीना से रह रहा था क्या? ये रह रहा था क्या? यहाँ का वातावरण कैसा लगा? और हमेशा मेरा गाइडेंस रहता है, गार्जियनशिप रहता है कि मेरे बच्चे बन के रहो तो अच्छी बात है। उसके बाद ये हम पटना में थे, अभी मकान बना रहे थे वहाँ, तो ये फ़ोन किया कि अंकल मेरा भाई आएगा एग्ज़ाम देने। हम कहे कब से आएगा बेटा? तो बोला कि 1 तारीख से। तो हम कहे ठीक है आ जाए, जो भाई है तुम्हारा रूम सीट खाली है था तो कह के रहो दोनों भाई। ये पता नहीं कब आया, हम रात में पटना से आए और सुबह निकल गए धान तैयारी करवाने, अभी खुटहा से आ रहे हैं हम। तो बाबू जब फ़ोन किया मेरा बच्चा तो हम दौड़े आए यहाँ कि आखिर क्या बात है ऐसा, यही इतना सा है। और तो क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रभास चंद्र हुआ। भागलपुर नगर निगम के सभागार में नगर निगम स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान महापौर ने बताया कि इस साल का यह दूसरा स्थायी समिति का बैठक था जिसमें कई कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान उप नगर आयुक्त राजेश कुमार पासवान, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, डॉक्टर प्रीति शेखर, संजय सिंह, संध्या गुप्ता, दीपिका कुमारी सहित अस्थाई समिति के सभी सदस्य और नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे।
आज हम लोग की स्टैंडिंग की इस साल की दूसरी बैठक है और इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है और हमें लगता है ये जो चर्चाएं हैं वो सकारात्मक हैं, शहर के विकास के लिए है और जल्द ही जो भी मुद्दाएं ली गई हैं वो धरातल पर नजर आएंगे। भागलपुर के कांग्रेस भवन में भागलपुर जिला ओबीसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह मनाई गई, जिसमें पार्टी के महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के तैलचित्र चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसको लेकर कांग्रेस ओबीसी के प्रदेश प्रतिनिधि राजेश रंजन ने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर पूरे देशवासियों के लिए एक मिसाल थे, वो नेता के साथ शिक्षक भी थे। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय ठाकुर बिहार में दो बार मुख्यमंत्री भी बने और का कार्यकाल इतना बढ़िया रहा इसलिए इनको जननायक की उपाधि भी दी गई थी। जी का 101वां जन्म दिवस है और ये बिहार के लिए पूरे देश के लिए बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, छवि उनकी बहुत ही विशाल है। वो एक राजनीतिज्ञ भी थे, शिक्षक भी थे और समाजसेवी भी थे, इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो देश के बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री जो कि दूसरा बार बने थे और दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी लोकप्रियता ये कहती है कि उसके लिए उन्हें जननायक की उपाधि दी गई, उन्हें जननायक कह के संबोधित किया गया, जिसे आज भी जननायक का उपाधि के साथ साथ उनका नाम लिया जाता है कि भाई अगर कर्पूरी ठाकुर जी हैं तो वो जननायक हैं। इसलिए पूरे बिहार उसको बहुत दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करती है कि वो हमारे देश, हमारे बिहार के अच्छे नेतृत्व करता थे। भारत रत्न घोषित किया गया सामने कर, ये बहुत अच्छी बात है, अगर भारत रत्न दिया गया है तो इसे सम्मान करना चाहिए, वैसे व्यक्तित्व थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका सम्मान उत्सव समारोह भागलपुर की कला केंद्र में समग्र सेवा के द्वारा मनाया गया, जिसमें छात्राओं के साथ अभिभावक भी मौजूद थे। जिसमें सम्मान समारोह में 10 बच्चों को सम्मान दिया गया। समग्र सेवा के शशि ने बताया कि आज वैसे 10 छात्रों को सम्मानित किया गया जो शिक्षा पाने में असमर्थ है, आगे भी समग्र सेवा के द्वारा बच्चों को इस तरह का सम्मान दिया जाएगा। जी जी, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग बालिका शिक्षा सम्मान उत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं समग्र सेवा के द्वारा। इसमें है क्या कि वैसे बच्चियों को हम लोग 10 बच्चियों को सम्मान करेंगे जो विषम परिस्थिति में पढ़ाई किए हैं या फिर मैंने शिक्षा के, मैंने कहा जाए तो चीज़ों के अभाव में वो पढ़ाई किए हैं और जाकर के कहीं ना कहीं वो मैट्रिक या मैट्रिक से ऊपर की पढ़ाई पूरा कर पाई हैं।